ये आपके लिक्विड और क्रीम के एप्लीकेशन के लिए है और ब्लेंडिंग के लिए। जब आप छोटे एरिया में प्लेस कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर प्लेस कर रहे हो कलर करेक्टर लगा, तो जो हमारा डिस्कलरेशन होता है वो यहाँ पे छोटे छोटे एरिया में होता है, बहुत बड़े पूरे फेस पे तो नहीं होता, ठीक है। तो उस टाइम पे आप इस तरह का छोटा फ्लैट ब्रश यूज करो, जैसे मॉइस्चराइजर लगा रहे या प्राइमर लगा रहे, तो आप बड़ा ब्रश यूज़ कर सकते हो, इस तरह का बड़ा ब्रश यूज़ कर सकते हो, और इस तरह का मीडियम ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, मीडियम साइज का। जहाँ पे आपको छोटे एरिया में काम करना है वहाँ पे बड़ा ब्रश यूज़ नहीं करना, जहाँ पे बड़े एरिया में काम करना है वहाँ पे छोटा ब्रश यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आप छोटे एरिया में बड़ा ब्रश से काम करोगे तो एग्जैक्ट प्रिसाइज डिपॉजिटिंग होगी नहीं, उसकी जगह जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे होगी नहीं, क्योंकि बड़ा एरिया कवर करेगा। मान लो ये इनर कॉर्नर पे करना है, तो इट्स बेटर कि आप ये छोटा वाला ब्रश जो है उसको यूज़ करो। उसके बाद जब आप छोटे ब्रश से पूरे फेस पे मॉइस्चराइजर लगा लोगे तो दैट ऑल्सो डजंट मेक सेंस, बिकॉज उसको लगाने में 4 मिनट लग जाएंगे, इससे लगाओगे तो 1 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि बड़ा एरिया कवर करना। सो यू हैव टू यूज़ योर कॉमन सेंस व्हाइल यूजिंग सिंथेटिक ब्रश।